हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी की वजह है ये दुपट्टा। ये दुपट्टा अभी मैंने ऑनलाइन खरीदा है। हालांकि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में ना वो बारगेनिंग नहीं कर सकते कि भैया 100 का क्यों लगा रहे हो, 60 का लगा दो ना। अब ऑनलाइन खरीदा तो कोई बारगेनिंग का चांस ही नहीं था। अब कितने अच्छे होते थे ना वो दिन जब हम जाते थे मार्केट में और बाज़ार में चीज़ें खरीदते थे, देखते थे, और जब भैया बोलते थे कि बहन जी ये 100 का है, तो हम बोलते थे भैया 100 में तो 2 दुपट्टे ले लूँगी मैं, आप 50 का एक लगा दीजिए। भैया दे रही हूँ 250 में, तो मैं ले रही हूँ दोनों। लेकिन कोरोना की वजह से ना अब घर में बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ती है। अब मुझे समझ में आता है कि यार जिनका गारमेंट्स का बिजनेस होता होगा वो कितने मज़े ले रहे होंगे ना, इस नए नए कपड़े पहन रहे होंगे, कपड़े बेच रहे होंगे, उनसे पैसा भी कमा रहे होंगे। वैसे कैसा आइडिया अगर गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया जाए, मैंने आपके लिए इसके बारे में रिसर्च की है और आज इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि अगर आप भी गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, देखिए। तो आप और मैं ये अच्छे से जानते हैं कि जो कपड़े से रिलेटेड इंडस्ट्री है उसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश की इकोनॉमी में। जाहिर सी बात है इसका बिज़नेस भी उतना ही यूज़फुल और उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज इस बिज़नेस से जुड़े तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको खासा ख्याल रखना है ये बिज़नेस करने से पहले, आपको बताते हैं। आप चाहें तो अपनी दुकान का एक थीम डिसाइड कर लें और उस थीम को एस्टेब्लिश करके धीरे धीरे इसमें बाकी कैटेगरीज जोड़ सकते हैं, पर शुरुआत में फोकस किसी एक दो पर ही रखें। कैटेगरी डिसाइड करने के बाद अगला डिसीजन लेना है आपको कि गार्मेंट्स के लिए रॉ मटेरियल कहां से लाएं और प्रोडक्शन कहां पर किया जाए। दूसरा तरीका यह है कि आप होलसेलर से बात कर लें और थोक में कपड़ा लाकर उन पर अपने लेबल लगा लें, या फिर आप किसी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ले सकते हैं। जिस मार्केट में आप अपनी पैठ जमाना चाह रहे हैं उसे अच्छे से समझ लें। पहले से मौजूद गारमेंट्स और चल रही डिमांड पर मार्केट रिसर्च जरूर करें, ये आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा। और फैशन रिटेल के इस बिजनेस से पहले आपको फैशन की अच्छी समझ होनी चाहिए। जैसे मेरे को भी थोड़ी बहुत समझ है कि ब्लैक के साथ मल्टी कलर अच्छा लगेगा, तो आपको भी अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपके बिजनेस में बहुत मदद करेगा। गारमेंट्स के बिजनेस के लिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है कि आपकी दुकान की लोकेशन क्या है। अब क्या है ना, मेरे जैसों को सस्ते कपड़े खरीदने के लिए जाना पड़ता है सरोजनी नगर। अब कपड़ा लेना है मुझे 100 रुपये का और सरोजनी नगर जाने तक मेरे लग जाते हैं 150 रुपये, तो भैया मैं खरीदूंगी क्या और वहाँ पर मैं क्यों जाऊँ खरीदने के लिए, तो मैं आसपास ही थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ। ऐसे में आप अपनी दुकान की लोकेशन वही रखिएगा जो कस्टमर के रीच के आसपास हो, यानी कि रेजिडेंशियल एरिया के आसपास की दुकान खोल लीजिए, ताकि जब बंदा चाहे आपकी दुकान में जाए और चीज़ खरीद सके। आपकी दुकान अंदर से कितनी साफ सुथरी और सुलझी हुई है, ये भी ग्राहकों को आपकी दुकान तक पहुंचने के लिए प्रभावित करता है। इसलिए इंटीरियर ऐसा रखें जो कस्टमर्स को कपड़े देखने और पसंद करने में आराम मिले। इन सब बातों के साथ ही लीगल फॉर्मेलिटीज का भी ध्यान रखें, सभी जरूरी लाइसेंस इशू करवाना ना भूलें, लीगल डॉक्यूमेंट्स में पैन और इंश्योरेंस डिटेल्स सही से भरें, टैक्सेस के लिए खुद को रजिस्टर करें और उन्हें समय से भरें। सभी डिटेल्स लेने के बाद GST रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। किसी भी प्रकार की मदद के लिए लीगल काउंसलर की मदद लें। चलिए अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप अपना रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करने वाले हैं या दुकान खोलने वाले हैं, या ऑलरेडी आपके रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, दुकान है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं तो ज़रूर खरीदने आने वाली हूँ। और हाँ, एक वादा आपको मेरे से करना पड़ेगा कि आप मुझे, मैं जो भी खरीदूंगी उस पर आपको मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो चलिए हम यही आशा करते हैं कि आपका बिजनेस अच्छे से फले फूले। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अच्छे से अपना बिजनेस करें, और बाकी हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, तमाम वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं, अपलोड करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दुपट्टा पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, और हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको किस तरह के वीडियोस और देखने हैं। नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।